हेलो स्टूडेंट, क्लास सेकंड, सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर्स। आफ्टर फर्स्ट यूनिट टेस्ट के बाद हम नेक्स्ट लेसन अपना स्टार्ट करेंगे, अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर हम कंप्लीट कर चुके थे अपने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, तो नेक्स्ट लेसन है हमारा अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। सो ओपन योर बुक्स। यहाँ पे देखिए लेसन नंबर टू है आपका अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर्स आर मॉड्यूलर कंप्यूटर्स, मैनी डिवाइसेस कैन बी अटैच टू दैम। अब देखिए जो आपके कंप्यूटर्स हैं, जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं, डे बाय डे क्या होता है कि मशीनों में क्या होता है, हर समय कुछ ना कुछ क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, ठीक है। उनकी कैपेबिलिटीज़ कैपेसिटी और अच्छी होती रहती है, फंक्शन उनके एप्लीकेशंस उनकी क्या होती हैं, अच्छी होती रहती दिन प्रतिदिन, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर एक मशीन बन गई तो उसमें कोई इन्वेंशन नहीं होगा, ठीक है। आपके घरों में बहुत सारी मशीन्स आप देखते हैं, आपके मोबाइल फ़ोन है, ठीक है, आपकी सिलाई मशीन है, चाहे आपकी वो मैनुअल मशीन हो, चाहे आपके इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हो, तो उनमें डे बाय डे क्या आते रहते हैं, चेंजेस आते रहते हैं, ताकि हमारे काम क्या हों, ईजी हो जाए, ठीक है। तो जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं आज की डेट में, वो किस तरीके के हो गए, मॉड्यूलर कंप्यूटर्स हो गए। मॉड्यूलर मीन्स जिनको आप क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली आप उनको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, फिर उनमें क्या कर सकते हैं, किसी भी डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं आप, उपकरण को या किसी मशीन को, डिवाइसेस को आप क्या कर सकते हैं, उनमें जोड़ सकते हैं, ताकि आपका काम क्या हो जाए, ईजी हो जाए। जैसे आपने सुना होगा कि आजकल किचन होते हैं, मॉड्यूलर किचन होते हैं, ठीक है, आपके मॉड्यूलर रूम्स बनाए जाते हैं, तो वो आपकी कन्वीनियंट के लिए, यानी कि आपका काम क्या हो सके, उससे ईजी हो सके। तो हम पढ़ेंगे अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। यहाँ पे देख लीजिए पेज नंबर 14 है आपका। देयर आर मैनी डिवाइसेस दैट कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर्स एज एंड व्हेन वी रिक्वायर, लेट अस लर्न अबाउट दीज डिवाइसेस। अब देखिए बहुत सारे डिवाइसेस आज की डेट में ऐसे हो गए हैं कंप्यूटर्स में, कि आप उनको अपने अकॉर्डिंगली, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि आप अपने अकॉर्डिंगली, यानी कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप कंप्यूटर में उसको अटैच करके अपना काम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं जिनको हम कंप्यूटर्स में अटैच करके, जोड़ के अपने काम को सरल बना सकते हैं, ईजी बना सकते हैं। तो देखिए वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन कौन से उपकरण हैं वो, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 15 में है आपका। पेज नंबर 15 में है आपका, फर्स्ट है आपका प्रिंटर। तो ये जो अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर हैं, ये आपके मेन पार्ट्स नहीं है। आपको जैसे कि आपको पता है कि जो आप मेन पार्ट्स हैं वो कंप्यूटर के, वो कौन कौन से हैं आपका, एक मॉनिटर है, कीबोर्ड, सीपीयू एंड माउस। ये 4 मेन पार्ट्स हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कभी कुछ और एक्स्ट्रा काम करना होता है अपने कंप्यूटर्स में, तो आप और जो आपके डिवाइसेस हैं, जो अदर पार्ट्स हैं कंप्यूटर के, उनको आप उन पर अटैच करके अपना काम कर सकते हैं। तो आप सेकंड क्लास में हैं आप, तो अपने फर्स्ट क्लास में मैंने आपको प्रैक्टिकल आपने करा था, 4 मेन पार्ट्स आपने ऑपरेट करे थे, मॉनिटर आपने अपना कंप्यूटर ऑन ऑफ किया था, तो आपको पता है 4 मेन पार्ट्स अच्छे से, ठीक है। आपने प्रिंटर भी देखा था, जब आप करवाया था आपको, तो आपने प्रिंटर भी देखा था। तो फर्स्ट है आपका प्रिंटर। तो ये देखिए इसकी इमेज भी साथ साथ बनी है आपके, प्रिंटर। अब प्रिंटर इज़ यूज्ड टू प्रिंट द डाटा फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन अ पेपर। अब देखिए जो प्रिंटर का काम क्या होता है, कि जो आपका डाटा होता है, यानी कि जिस चीज़ को भी आप प्रिंट आउट करना चाहते हैं, किससे, कंप्यूटर से, यानी कि कंप्यूटर में जो भी आपका डाटा अवेलेबल होता है, चाहे आपकी फ़ोटोज़ हैं, चाहे आपके लेटर्स हैं, या आपका कोई डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, किसी भी तरीके का आपका डाटा है, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको पेपर, आपको प्रिंट आउट चाहिए उस पेपर में, तो आप प्रिंटर की मदद से उसका क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो इसको आपको किस में अटैच करना पड़ेगा, अपने कंप्यूटर्स में। तो इसकी मदद से, आप प्रिंटर की मदद से जब आप कंप्यूटर में अटैच करेंगे इसको, तो आप अपने जो भी आपको प्रिंट आउट चाहिए, आप इसकी मदद से क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से प्रिंट आउट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, अदर पार्ट है कंप्यूटर का, ये आपका मेन पार्ट नहीं है। ध्यान रखिए मेन पार्ट्स आपके 4 हैं ओनली, ये आपके अदर पार्ट्स हैं। सेकंड है इसमें आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव सभी, काफ़ी बच्चों ने देखी होगी पेन ड्राइव, ठीक है।
इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट कैन बी अटैच टू अ कंप्यूटर, इट इज़ यूज टू स्टोर डाटा इन इट। अब देखिए ये छोटी सी होती है आपकी, देखिए जैसे साइज इसका छोटा सा होता है, पोर्टेबल है यानी कि आप उसको इजीली अपनी कैरी कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, अपने पॉकेट में रख लिया, इतनी छोटी होती है। ठीक है, आपने देखी भी होगी पेन ड्राइव, बहुत बच्चों ने देखी होगी। तो इसमें इसका पेन ड्राइव का काम बेसिकली क्या होता है, इसको भी आप कंप्यूटर में अटैच करके इसमें आपको कंप्यूटर से यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ डाटा करता है ये। अगर आपको किसी, अब आपके स्कूल में अगर बहुत फंक्शंस हैं या आप किस आपके फ्रेंड्स हैं तो उनके कंप्यूटर में कुछ ऐसी फ़ोटोज़ हैं आपकी पड़ी हुई, तो आप चाहते हो कि आप उनको ले लो, तो आप क्या करेंगे, इस पेन ड्राइव की मदद से आप कंप्यूटर में अटैच करेंगे इस पेन ड्राइव को, फिर क्या करेंगे इससे डाटा ले लेंगे, यानी कि जो भी पिक्चर्स हैं आपके, सॉन्ग्स हैं, मूवीज़ हैं, आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं अपने पेन ड्राइव में, और फिर आप अपने कंप्यूटर में क्या कर दीजिए, उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू द अनदर कंप्यूटर। तो पेन ड्राइव भी काफ़ी बच्चों ने ज़रूर देखी होगी। तो देखिए आज आप सिर्फ टू मेन जो टू अदर पार्ट्स हैं आपका, प्रिंटर एंड पेन ड्राइव, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। अगर जिनके घरों में पेन ड्राइव है तो एक बार आप इसे देख लें, अपने आपके घर में कोई बड़ा है, पापा है, तो आप इसे थोड़ा सा देखेंगे किस तरीके से ये वर्क करता है। सो थैंक यू क्लास।